अस्सलाम वालेकुम। चार्ल्स ला, प्रीवियस लेक्चर में हम बॉयज़ ला को डिस्कस कर चुके थे। बॉयज़ ला ने क्या कहा, दो चीज़ों के दरमियान में उसने रिलेशनशिप शो किया, एक वॉल्यूम था और सेकंड क्या था हमारे पास, प्रेशर। अब नेक्स्ट एक और साइंसदान आया चार्ल्स, बेसिकली चार्ल्स ला में जो चार्ल्स लिखा हुआ, ये साइंसदान का नाम है, इसने भी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। मतलब इसने वॉल्यूम, इसने भी वॉल्यूम को यूज़ किया। अब उसने कहा जी वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस बंदे ने कहा जी नहीं, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे और ये क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये बात याद रखिएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए तो मैं काफ़ी जगह पर इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। इस बंदे के कहने का मतलब ये था कि अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैस का वॉल्यूम जो उसके अंदर मौजूद होगी, गैस क्या मतलब, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है या कुछ भी इस तरह का। तो बच्चे इसके लिए ना आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, या आप घर जाकर कर लीजिएगा। टीन पैक होता है वो देखा होगा, तो ये 60-70 या 100 रुपये का मिल जाता है, उसको लीजिएगा, वो सारा पी के उसको टीन का जो डिब्बा है उसको खाली कर लीजिएगा। आइए देखो यहाँ पर सुराख होगा, ऐसा ही है। वह आपने पता क्या करना है, इस सुराख इस टीन पैक को लेकर ना आपने इसको गर्म करना है, तकरीबन 3-4 मिनट तक ना गर्म कर लो, कुछ ज़्यादा भी ना गर्म कीजिएगा, सिर्फ 3-4 मिनट बहुत है, सही गर्म कीजिएगा। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो हवा होगी वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी, क्योंकि इस बंदे ने कहा था टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, गैस का जो इसके अंदर मौजूद है गैस वो बढ़ेगा। अच्छा, अब इसको ना ऊपर से खुला होगा तो हवा ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी, बाहर की तरफ निकलती जाएगी, है या नहीं, हवा क्या होगी ऐसा ऐसा बाहर की तरफ निकलती जाएगी। आपने थोड़ी देर बाद करना क्या है कि इसको जब गर्म हो जाए किसी चीज़ से उठा के ठंडा ठंडा पानी लेना है, बेशक फ्रिज से बोतल निकालो ठंडे पानी वाली, उसको किसी बड़े बर्तन में डालो। अब इस चीज़ को लेकर ना उल्टा करके इसके अंदर डिप कर देना, उल्टा करके डिप करना है, जिस साइड पर मुँह ओपन होगा, सही है, उल्टा करके डिप करोगे सारा पिचक जाएगा, पिचक जाएगा, पिचक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप क्या करो, अगर इस तरह काम प्रॉपरली नहीं करता, आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, सही है, फिर करना थोड़ा सा पानी, उससे क्या होगा ये पिघलेगा भी नहीं, सही है। जब वो पानी ऐसा बुखरा पानी उड़ना शुरू हो जाए फिर आप उसको लेके इसको उल्टा करके इसके अंदर डिप कर दो, सारे के सारे पिचक जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अब हुआ क्या, अच्छा हुआ पता क्या है, इसके अंदर गैस रहेगी थोड़ी, जब टेम्परेचर किया हाई गैस का वॉल्यूम बढ़ा, गैस यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। अब आपने इसको उल्टा करके इसके अंदर जब डिप किया तो टेम्परेचर फिर दोबारा क्या हुआ, कम हुआ। जब टेम्परेचर कम हुआ तो इसके अंदर गैस है उसका वॉल्यूम भी क्या हुआ, कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ तो डिब्बे को क्या किया, पिचका दिया। ये बात इस बंदे ने कही थी, अगर गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही। तो इसके सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद बाकी सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की हेडिंग दे दो, देखो जो बातें हमने बॉयज़ ला में कही थी ना वही बातें सारी की सारी यहाँ पर, स्टेटमेंट, कंडीशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और लास्ट वाली चीज़ है मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस, दी गई गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम क्या करें, इफ अगर प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट, प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के, अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो। अब इसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस जो हमने कल लिखी थी, एक तो वही कंडीशन है, एक आपको ऊपर से पता चल गई होगी कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, प्रेशर,
तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखी जाए तो गैस शुड बी आइडियल, गैस शुड बी आइडियल, गैस का आइडियल होना जरूरी है। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गैस की मिकदार, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैप्ट कॉन्स्टेंट, कैप्ट कॉन्स्टेंट, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। अब इसके बाद मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकली किस तरह करेंगे ज़रा गौर करते रहिएगा थोड़ा सा, जो बात हमने ऊपर कही है वही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। क्या क्या हमने कहा था जी, वॉल्यूम गैस का और टेम्परेचर एक दूसरे के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही हम यहाँ पे करेंगे। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आगे ब्रैकेट डालकर इसे लिख देना है, इफ प्रेशर एंड एन, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर कॉन्स्टेंट, अगर ये दो चीज़ें कॉन्स्टेंट हो तो। वॉल्यूम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, वॉल्यूम को, और टेम्परेचर को वी इज इक्वल टू के टी, सही है। अब क्या किया जी, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल लगाया, इसके बाद क्या लगा दिया, के हमारे पास कॉन्स्टेंट है, अगर मैं यहाँ से k निकालूँ तो k इज इक्वल टू वी ओवर टी, सही। अब यहाँ पर गौर करो, हमने बॉयज़ लैब में इस तरह की एक डेफिनेशन लिखी थी, एक छोटी सी बात लिखी थी, k इज इक्वल टू पी वी, हमने कहा था जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, इधर देखो थोड़ी देर के लिए, हमने कहा था जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, क्या इस तरह की डेफिनेशन यहाँ बना सकते हैं आप वर्डिंग को जोड़ जोड़ के, इस चीज़ को देख के बन सकती है। देखो v ओवर t को आप क्या लिखोगे, आप 5/9 को ये भी तो लिख सकते हैं, 5:9, 5/9 को 5:9 भी लिखते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रेशो है, कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ प्रेशर कैप कॉन्स्टेंट, वो तो कॉन्स्टेंट है इस्लाम में, सही। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखूँगा, द वॉल्यूम, द रेशो बिटवीन, इस तरह करो, द रेशो बिटवीन, द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू द, ये बराबर होगी हमेशा इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, अगर क्या करें इफ प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट, प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट। अच्छा इसके बाद पता क्या करना आपने, जिस तरह हमने बॉयज़ लैब में किया था, पहली कंडीशन के लिए आप क्या करोगे 1:1 लिख दोगे और दूसरी कंडीशन के लिए v2/t2 लिख दोगे, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या कि दोनों को कंपेयर करोगे तो v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2, आप कंपेयर नहीं करना चाहते, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा साइड पर कंसंट्रेशन रखिएगा बच्चे, ये k है, ये देखो ये क्या है हमारे पास है? k है ये वाला। अब इस k की वैल्यू, इस k की वैल्यू असल में ये वाली है, मैंने कहा इस k की जगह पे ये वैल्यू रख दी, बस ये सिंपल सी बात याद रख लीजिए। अब v1 मैंने कहा था जी जहाँ 1:1 हो वहाँ पे यूज़ करना इनिशियल, 2:2 जहाँ पे हो वहाँ पे फाइनल, सही। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है, वेयर यहाँ पर आगे जाकर आपको चल जाएगा क्या मुराद है इनिशियल से, v1 t1 v2 t2, v1 इज इनिशियल वॉल्यूम, t1 इज इनिशियल टेम्परेचर,
वी टू इज फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और टी टू इज फाइनल टेम्परेचर। अगर आगे आप एक लफ्ज़ सब में लिखना चाहते हैं वो ये है जी गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ये आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इतना भी बहुत है। और लास्ट में हमारे पास चीज़ आ जाती है, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब थोड़ी देर के लिए ना इधर देखना, इधर देखो थोड़ी देर के लिए। कहते जी हमारे पास ना एक सिलेंडर है, ये और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूवेबल है, ये एक पिस्टन है इसमें, और ये पिस्टन इसके ऊपर नीचे ना मूव कर सकता है। इसको हमने एक ट्राईपोड स्टैंड पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ट्राईपोड स्टैंड पे रखा हुआ है। तो ये मेरे पास ट्राईपोड स्टैंड आ गया, और इस तरह इसकी टांगें होंगी जिसके ऊपर, इसकी ज़मीन के ऊपर रखा होगा। और इसको मैंने जो इसके अंदर गैस ली हुई है, इसके अंदर है हमारे पास कोई ना कोई गैस बंद है, सही। इसमें क्या किया हुआ है हमने, कोई ना कोई गैस को बंद कर रखा है, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको गर्म कर रहा हूँ, नीचे मैंने जला रखी है आग, सही है। शुरू में नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में चेक कर लो, आप पहले शुरू में चेक करो, जब मैंने आग नहीं जलाई, जब मैंने आग नहीं जलाई उस वक्त इस डिब्बे का वॉल्यूम था वी वन, जो है आपकी बुक में मेंशन किया जी 50 सेंटीमीटर क्यूब। इस वक्त इस गैस का टेम्परेचर था T1, जो हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने टेम्परेचर 25 से 100 पे कर दिया, मतलब 100 पे किस तरह करूँगा मैं, इसको गर्म करूँगा, मैंने कर दिया इसको गर्म। गर्म करने के बाद जो गैस है वो फैलेगी और ये वाला पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर मूव करके जाके यहाँ तक पहुँच जाएगा, सही है। तो बुक इस्लामियत के लिए सही है, तो ये हमारे पास पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अब मैं सपोज करता हूँ ये गैस यहाँ तक फैल गया, पहले था वॉल्यूम V1 इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब वॉल्यूम यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा V2, सही है। इस वक्त जो टेम्परेचर था V2 हो गया, मैं सपोज करता हूँ बढ़ गया, बढ़ने के बाद 62.5 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, और इस वक्त जो टेम्परेचर होगा बच्चे, वो टेम्परेचर होगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे वो भी देखेंगे, तो किस तरह प्रूफ करेंगे वो भी यहाँ पे चीज़ देखेंगे। हम पहले ये लिखेंगे, सपोज फर्ज कर लो वी हैव अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, अ गैस, एक गैस को हमने बंद रखा है, अ गैस इज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 50 सेंटीमीटर, व्हेन गैस इज हीटेड द फाइनल वॉल्यूम बिकम 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर बिकम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद नीचे हम प्रूफ कर देंगे, हाँ तस्वीर बनानी है आपने, जी बुक में बनी हुई है, इसको आखिर में अमूमन पिक जो होती है ना, टॉपिक को शुरू में बातें लिखो, लास्ट में पिक बना दो, सही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, सपोज फर्ज कर लो वी हैव अ सिलेंडर, हमारे पास क्या है, सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, विद अ मूवेबल पिस्टन, और इसमें पिस्टन क्या है, मूव कर सकता है। द इनिशियल टेम्परेचर, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, ऑफ गैस इज, इनिशियल टेम्परेचर कितना हमारे पास है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इनिशियल वॉल्यूम इज, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। When we heat the gas, जब हम गैस को गर्म करते हैं,
व्हेन वी हीट द गैस, जब हम गैस गर्म करेंगे, देन फाइनल टेम्परेचर इज, फाइनल टेम्परेचर इज टी टू एंड फाइनल वॉल्यूम इज, एंड फाइनल वॉल्यूम इज वी टू. नाउ अब क्या होगा, V1 over T1 is equal to V2 over T2. अच्छा मज़े की बात बताऊं, जब वैल्यू पुट करोगे ना दोनों, जहाँ V1 क्या है हमारे पास 50, T1 क्या है 25, इसका तो आंसर आएगा 2. तो मैं सपोज, मैं अभी अभी देखना, थोड़ी देर के लिए देखना, अब वैल्यू पुट करो. मसलन मैं आज यहाँ पे पुट करता हूँ, V1 मेरे पास कितना, T1 है 25, इस साइड 62.5 है और इस साइड पे 100 है. सही है, दोनों का आंसर बराबर नहीं है, इसका आंसर 2 आएगा और इसका 0 point something आएगा, 0.625. मतलब बॉयल चार रस्ता तो गलत साबित हो गया. तो एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इससे आपका चार रस्ता प्रूव नहीं होगा. इस तरह आग बुक में सिंपल इस तरह लिख के यहाँ तक करके ख़त्म कर दिया और कुछ बताया नहीं है. एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल. किस स्केल में एप्लीकेबल है? तो आपको सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड को उठा के केल्विन में तब्दील करना पड़ेगा. केल्विन में तब्दील करने का सबसे आसान तरीकाकार यह है, जो भी टेम्परेचर दिया है इसमें 273 ऐड करो. कितना? तो हमारे पास V1 तो हम वही लिखेंगे, V1 क्या हमारे पास है 50 है, 25 जमा 273 करो, 273 करो आई थिंक 298 आएगा. V2 कितना है, 62.5 है, और 100 जमा 273 करोगे तो 373. अब करो डिवाइड, 50 डिवाइड बाय 298, 0.77. इसका क्या आएगा, 0.1675. सही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक कर लो, यहाँ तक सही है. दोनों का आंसर आप क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है. तो नीचे मैं एक बात लिख दूंगा लास्ट में, चार्ल्स ला इज Only applicable in Kelvin scale. और आपको पता है temperature को measure करने के कितने आलात हैं, कितने हम use कर रहे थे unit, 3, degree centigrade, Kelvin scale and Fahrenheit scale. और Kelvin scale is a SI unit of temperature. Kelvin scale SI unit है temperature का, याद रखिएगा. आप पढ़े होंगे base unit, drive unit, chapter number 1 physics में. लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, मास का किलोग्राम है, वहाँ पे टेम्परेचर का चेक कर लीजिएगा केल्विन है. सही है, तो चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल. और ये नीचे इतनी ड्राइव नहीं किया, आपकी बुक यहाँ तक करके आता है, ये लो जी बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ प्रूव हो चुका है, प्रूव करना पड़ता है लास्ट तक. सही है, तो ये कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक भी लिख दो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता हो, क्योंकि वो वैल्यूज डायरेक्ट रखने से आपका आंसर नहीं आएगा और ना ही बुक ने आगे एक्सप्लेन किया. सही है, तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.